अस्सलाम वालेकुम ऑल। हेलो ऑल गाइस, अभी मैं बनाने वाला हूँ अरबिक शवालमा। येलो पी ब्रेड रोटी तैयार हो चुकी है, उसके बाद मैंने ये जो कैनस की पेटी है इसे फ्राई कर लिया है अच्छे से। डीप फ्राई नहीं करना, उसके बाद आपने इसे रोटी पर रखना है। इसके अलावा पीटा ब्रेड भी तो मिलती हैं, लेकिन आप अपने घर पे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सैलेड पत्ता लाइक बंद गोभी के कुछ पत्ते आपने इसे रखने हैं, और उसके बाद एक साइड पे मुझसे एक मिस्टेक होगी, मैंने साइड से इसे काटना था लाइक रोटी के बीच में एक कट लगाना था, लेकिन चलो ये भी ठीक है। आपने इस साइड पर जो है ना ये सैलेड पत्ते रखना है, दूसरी साइड पर टमाटो रखने हैं, और तीसरी साइड पे खीरे वगैरह रखने हैं। प्याज वगैरह तो थी नहीं, वो भी रख सकते हैं आप। मैंने कुछ कैरेट्स थी वो इस कबाब के ऊपर रख लिया, और ये रेड चिली सॉरी ग्रीन चिली भी थी वो रख ली थी इसके ऊपर। आपने इसे डेकोर करना है ना, और उसके बाद चिली गार्लिक वगैरह या टमाटो केचप वगैरह हो तो आप इसके ऊपर डाल के यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास तो नहीं थी, लेकिन मेरे पास मायो थी तो मैंने मायो यूज़ की, क्योंकि मुझे मायो अच्छी लगती है। केचप वगैरह एवरेज होते हैं, और ये मैं अरबिक शवारमा बना रहा था तो उसमें केचप वगैरह नहीं होती। उसके बाद आपने इसे फोल्ड करना है, जिससे मिस्टेक ये हुई मैं इसे कट करता और फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेप से फोल्ड करता, लेकिन फिर चलो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बिल्कुल हाफ एंड हाफ 50-50 कर लिया, साइड से 30 का एंगल उस साइड से भी 30 के एंगल में फोल्ड कर सकते हैं। देखें इस तरीके से, पहले आपने इसको ऐसे किया, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे मोड़ा, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसे मोड़ा, और जो बीच का जो है आपको कैसे इसे पकड़ना है तो आपको ये टूथपिक नहीं होती स्टिक, वो आप इसमें डाल दें। जब ये बन जाए आप उसे ओवन में गर्म करें, उसके बाद यूज़ करें। देखें कितना मज़े का बना, उसके बाद आप इसे इंजॉय करें सेवन अप की पोटली के साथ। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।